प्रियंका कराएंगी वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री। कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल, यानी वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। बीजेपी ने रविवार शाम अपनी पांचवी लिस्ट जारी की है, जिसमें पीलीभीत लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि अब वरुण गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। कुछ दिनों पहले ऐसी चर्चा थी कि वरुण के करीबियों ने नामांकन पत्र खरीदा है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। अखिलेश यादव ने भी वरुण को उम्मीदवार बनाने के सवाल पर कुछ दिन पहले कहा था अगर वे आना चाहते तो उनका स्वागत है। हालांकि पीलीभीत से इस बार लड़ाई वरुण के लिए इतनी आसान नहीं होगी, उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। वहीं कांग्रेस भी चाहती है कि वरुण गांधी पार्टी में शामिल होकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करे। क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे, आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या वरुण गांधी कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रियंका गांधी से है वरुण के अच्छे रिश्ते। वहीं वरुण गांधी अगर सपा या कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तब इंडिया गठबंधन को गांधी परिवार की गढ़ अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस अमेठी बचा ले जाए ऐसा भी संभव हो सकता है। वरुण के साथ आने से सोनिया और मेनका गांधी की नाराजगी की दूरियां भी कम हो सकती हैं। दावों के अनुसार वरुण गांधी की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत होती है। प्रियंका से वरुण के अच्छे संबंध है, सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। राहुल और वरुण के बीच बात बनी तो यूपी में कांग्रेस को एक हिंदू छवि वाला बड़ा फायरब्रांड नेता वरुण गांधी के रूप में मिल जाएगा। वरुण गांधी 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस वरुण या मेनका गांधी को अमेठी या रायबरेली से भी उम्मीदवार बना सकती है। पीलीभीत में रहा है वरुण और मेनका का दबदबा। पीलीभीत सीट की बात की जाए तो मेनका गांधी यहां से 6 बार सांसद रही हैं। 2009 में उन्होंने पीलीभीत की सीट वरुण गांधी के लिए छोड़ी थी और सुल्तानपुर से चुनाव लड़ी थी। वरुण तब पीलीभीत से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। हालांकि 2014 में एक बार फिर मेनका गांधी पीलीभीत से जीतकर संसद पहुंची। 2019 में वापस वरुण गांधी पीलीभीत लौटे और चुनाव जीते थे। अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद कम होता गया कद। वरुण गांधी ने साल 2004 में बीजेपी ज्वाइन की थी और उस वक्त से ही उनकी छवि फायर ब्रांड नेता के तौर पर बन गई थी। 2009 में वह पहली बार संसद पहुंचे थे। राजनाथ सिंह के अध्यक्ष रहते हुए उन्हें पार्टी में कई पदों पर जगह दी गई थी। हालांकि 2014 के बाद उनका कद घटने लगा और 2019 में तो उनकी माँ को मोदी कैबिनेट में जगह भी नहीं मिली।